नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्रम से आज का यह प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोग जिन भी व्यक्तियों को अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो एक ही कमेंट में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न लिखें। किसी अन्य व्यक्ति के लिए यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की डिटेल्स लिखें। कोई रत्न या रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो उसका जिक्र भी अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग अपने कमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रश्न पूछना है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, यह पूरी तरह से निःशुल्क है। जब तक आप अपने प्रश्न डालते हैं और हमसे जुड़ रहे हैं तब तक मैं अपनी स्क्रीन को ऑन कर लेता हूं। पुनः कहना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति को अपनी कुंडली संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो यहां पर कमेंट में पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, एक ही कमेंट में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और मुख्य प्रश्न लिखना है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछना है तो उसकी डिटेल्स लिखें, उसका नाम अवश्य लिखें और कोई रत्न रुद्राक्ष पहना है तो वह भी अवश्य बताएं। साथ में प्रोग्राम को शेयर करें, जिसमें शेयर का टैग आएगा उन्हीं लोगों के प्रश्नों को लिया जाएगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर नीचे एक शेयर का ऑप्शन होता है, वहां जाके आप अन्य ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। आप यहां पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष के लिए भी हमारी वेबसाइट पर विजिट अवश्य करें। ऊपर स्क्रीन पर लिंक आपको दिख रहा होगा। जी, अभी पहला प्रश्न आया है और मैं सभी से कहना चाहूंगा, जो भी लोग यहां पर प्रश्न डाल रहे हैं वे प्रोग्राम को अवश्य शेयर करें। आप प्रोग्राम को शेयर करेंगे तो आप लोगों के प्रश्नों को लेने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। तो अभी हम प्रश्न लेने जा रहे हैं चीना अरोरा जी का। जी, चीना अरोरा जी, आप लाइन पे बने रहिए, आपकी डिटेल्स मैं एंटर कर लेता हूं। इन्होंने सौरभ अरोरा के लिए प्रश्न किया है। दस सात 1982। नौ बज के 20 मिनट रात का समय है। जन्म स्थान अमृतसर। और शादी कब होगी, काम कब ठीक होगा, ये इनका प्रश्न है। अमृतसर। जी, सौरभ अरोरा जी का प्रश्न है 10/7/1982, 9:20 रात्रि का समय है इनका। अमृतसर, पंजाब। इनकी जन्म कुंडली हमारे समक्ष है। आपकी जन्म कुंडली बनती है मकर लग्न और कुंभ राशि की। मकर लग्न कुंभ राशि की कुंडली सौरभ अरोरा जी की। इनका प्रश्न है कि विवाह कब होगा। वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है जो कि मई 2027 तक है। अंतरदशा की बात करें तो वर्तमान में राहु की अंतरदशा चल रही है जो कि जनवरी 2022 से शुरू हुई है। शनि की महादशा और राहु की अंतरदशा। कुंडली में विवाह की स्थिति की अगर देखें हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लग्न और लग्नेश की बात कर लेते हैं। लग्नेश में शनि, शनि नवम भाव में विराजमान है, मंगल के साथ बैठे हुए हैं। बुध की राशि कन्या राशि में। सप्तमेश की बात करें तो सप्तमेश बनते हैं चंद्रमा, कर्क राशि है सप्तम भाव में, चंद्रमा सप्तमेश है। चंद्रमा
अकेले बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में केम द्रुम दोष का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे तो गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो उस दोष में कमी आएगी। तो चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान है जो कि सप्तमी से है। गुरु की स्थिति को अगर देखा जाए आपकी कुंडली के अनुसार तो गुरु दशम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु दशम भाव में 7 अंश के होकर बैठे हुए हैं। तुला राशि में आप चलित कुंडली में नवम भाव में जा रहे हैं। इनके भावों की बात करें तो इनको एक तृतीय भाव मिला हुआ है और एक तृतीय भाव मिला हुआ है। ये द्वादश भाव के स्वामी हैं, साथ में तीसरे भाव के स्वामी हैं गुरु और दशम में विराजमान है। शुक्र की स्थिति को अगर देखा जाए तो शुक्र कुंडली में पंचमस्थ है, पंचम भाव में स्वराशिस्थ है, अपनी ही राशि वृष राशि में बैठे हुए हैं शुक्र। 24 अंश के होके शुक्र को दूसरा जो भाव मिला हुआ है वह दशम भाव है इस कुंडली में। तो शुक्र की स्थिति को देखें तो शुक्र बढ़िया स्थिति में है, पंचमस्थ है, पंचम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है। गुरु की स्थिति को देखें तो तृतीय भाव के स्वामी है और दशम में विराजमान है। सप्तमेश चंद्र द्वितीय भाव में विराजमान है। सप्तमेश पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है क्या? जी, गुरु की दृष्टि पड़ रही है जो कि द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। और उच्च के राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, उच्च के राहु की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। तो मन तो अशांत रहता होगा इनका, मन विचलित रहेगा। ध्यान रहे, सौरभ जी का मन विचलित रहेगा, मन अशांत रहेगा। आपने पूछा है कि विवाह कब होगा? शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु उच्च के हैं और राहु षष्ठ भाव में है और वो चंद्रमा पर अपना प्रभाव भी डाल रहे हैं। अगर हम गोचर की बात करते हैं तो गोचर के गुरु इस समय मीन राशि में हैं, गोचर के गुरु मीन राशि में हैं और वो सप्तम को अपने प्रभाव में ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं शनि की तो शनि अभी मकर में है लेकिन कुंभ में जाने वाले हैं। कुंभ राशि में शनि जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, चंद्रमा पर ही जाएंगे वो, जो कि सप्तमी से उन पर अपना प्रभाव डाल रहे होंगे। 7, 8, 9, 10 जी। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल वर्तमान में वृष राशि में है, पंचम भाव में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8 पंचम भाव में जी। 2023 में विवाह की संभावना तो बन रही है, 2023 में विवाह की संभावना बन रही है और अभी राहु का समय चल रहा है, ये भी विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं, इनका समय विवाह के लिए उत्प्रेरित करता है। तो शनि की महादशा है, शनि की महादशा और शनि लग्नेश बनते हैं और अच्छे घर में बैठे हुए हैं और जो सप्तमेश है चंद्रमा वो भी सुनिश्चित भाव में बैठे हुए हैं, लग्नेश के घर में बैठे हुए हैं और राहु की बात करें तो इनकी अंतर्दशा चल रही है। राहु सप्तमेश चंद्र को अपनी नवम दृष्टि से देख रहे हैं। यह समय है जो विवाह का है, गोचर स्थितियों को भी मैंने देख लिया है। 2023 और 24 में किसी भी हालत में विवाह हो जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे तो। 2023 में भी स्थितियां बन रही हैं, जून से पहले पहले भी बन रही हैं। 2023 में भी आप विवाह कर सकते हैं, 2024 में भी विवाह कर सकते हैं। 2023 और 24 विवाह के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है और मैं कहना चाहूँगा कि इसके बाद गुरु की अंतर्दशा है जो भी आपके विवाह के लिए बढ़िया समय होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी से लेकर 2027 तक विवाह का ही समय है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप प्रयत्न करते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि देश काल परिस्थितियों वश विवाह नहीं हो पाता, जैसे कि एक कारण यह है कि अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है समटाइम्स इसलिए विवाह नहीं हो पाता, या फिर आपकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो आप अपनी ऐसी डिमांड कर रहे हैं
तो भी विवाह में देरियां हो जाती हैं। अगर उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्रोमाइजेबल हैं, तो विवाह में देरी नहीं होनी चाहिए। 23 और 24 में तो विवाह हो ही जानी चाहिए, और अभी से विवाह का समय ही चल रहा है, 2027 तक आप कभी भी आप विवाह कर सकते हैं। तो आप प्रयत्न करें, अवश्य इनका विवाह हो जाएगा। 82 बॉर्न है, और मंगल की स्थिति को अगर देखा जाए तो मंगल नवम में बैठे हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो गोचर भी सपोर्ट कर रहे हैं। प्रयास कीजिए, 2023 आपके लिए विवाह का समय है, 24 भी 25 26 27 भी। प्रयत्न करें 2023 में विवाह हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ अरोड़ा जी के लिए, आपने प्रश्न पूछा, आपने दूसरा भी प्रश्न पूछा, लेकिन एक ही प्रश्न का उत्तर हमें देना है, बिकॉज अन्य लोगों के सवालों को भी हमें लेना है। तो हम आगे चलते हैं और दूसरे लोगों के प्रश्नों को लेते हैं। आप लोग प्रोग्राम को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। जिन लोगों का प्रोग्राम शेयरिंग का टैग होगा, शेयर का टैग होगा जिनके पास, उन्हीं के प्रश्नों को ले पाऊंगा। अगला प्रश्न है ऐसा एस जी का है, और इन्होंने, ये फैसलाबाद पाकिस्तान से हैं, और इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब किस मंथ लगेगी और स्ट्रांग मंथ चांसेस बताएं, परमानेंट कौन सी होगी, टीचर या ऑफिस। जी आपने 10 प्रश्न पूछे हैं, इसके लिए कृपया आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि आपके सभी प्रश्नों के मैं उत्तर दे पाऊँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर दे पाऊँगा, क्योंकि और लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी हमें लेने होते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। बाकी जो लोग भी प्रश्न डाल रहे हैं, प्रोग्राम को शेयर जरूर करें। और बताना चाहूँगा, आजकल मैं यूट्यूब पर ज़्यादा लाइव रहता हूँ, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें लगभग रोज ही मैं लाइव जाता हूँ। आप लोग हमारे हमको सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो वहाँ पे हमसे प्रश्न रेगुलर पूछ पाएंगे। फेसबुक पे कम ही रहता हूँ। तो ऐसा एस जी का प्रश्न लेते हैं, इनका एक प्रश्न लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। लाइन पे बने रहे, आपकी डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ। चौदह बारह उन्नीस सौ चौरानवे पांच बज के दस मिनट शाम का समय है। पाकिस्तान में फैसलाबाद से, जी आपकी कुंडली, ये आयशा जी की कुंडली हमारे पास बन के आ चुकी है, और इनका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। जी मंगल की वर्तमान में महादशा चल रही है, जो कि 2028 तक है आपकी कुंडली के अनुसार, और वर्तमान में जो अंतर्दशा चल रही है वह गुरु की चल रही है। 4 जनवरी 2023 से, यानी कि अभी 6 दिन पहले ही गुरु की अंतर्दशा शुरू हुई है, मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, जो कि ये पूरे साल रहेगी। अब आपकी कुंडली पर आया था, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, और चंद्रमा विराजमान है मेष में, मेष राशि में, तो मेष राशि बनती है आपकी, मिथुन लग्न मेष राशि की कुंडली है। और आपका प्रश्न है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, लग्नेश वे बुध, बुद्ध की स्थिति को देखा जाए तो बुद्ध आपके अस्त हैं। सबसे पहले तो आप अपने बुद्ध को मजबूत करें, बुद्ध सूर्यदेव के इतने नज़दीक पहुंच चुके हैं कि उन्होंने उनको अस्त कर दिया, प्रभावहीन कर दिया है। कोई भी कुंडली चाहे इतनी अच्छी हो, रोज ही कहता हूँ, हर दो तीसरी कुंडली के बाद ऐसी कुंडली देखने को मिल जाती है जिसमें लग्नेश अस्त होते हैं, तो आप अपने लग्न को मजबूत करें। अगर आप चाहें तो बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करें, लेकिन वो आप करेंगे नहीं। एक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन नॉनवेज नहीं खाना है। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, नॉनवेज आपको नहीं खाना होगा, लेकिन या गणेश जी की पूजा आराधना करें, उनको दूर्वा अर्पित करें, लाभ होगा।
अगर आप कर सकें तो ये रहे बुद्ध के कुछ उपाय। बुद्ध बुद्ध का रत्न धारण नहीं करना है आपको, इस प्रकार आप बुद्ध को मजबूत कर सकते हैं, उनको मजबूत करने ताकि आपकी कुंडली को बल मिलेगा। जो लग्नेश होते हैं वो किसी भी कुंडली के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, तो सारे योग या जो भी है सब उनके अधीन आता है। लेकिन अगर लग्नेश मजबूत नहीं होंगे, बलवान नहीं होंगे, तो कुंडली अपना शुभ असर शुभ प्रभाव नहीं दिखा पाती है। तो लग्नेश बुद्ध को मजबूत करें। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा ध्यान रहे, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि चंद्रमा मेष राशि में एकादश भाव में है, परंतु केतु के साथ है। सिर्फ यहाँ पे केमद्रुम दोष का निर्माण हो रहा है, प्रथम दृष्टया केमद्रुम दोष का निर्माण हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाया हुआ होगा, विचार आपके बहुत आपको परेशान करते रहते होंगे, और साथ में केतु भी विराजमान है, एक अमावस्या दोष की तरह का दोष बना रहे हैं यहाँ पर ही चंद्रमा को केतु साथ में युति बना के। और आपको धन संबंधी हमेशा मन में ऐसा ग्लानी होती रहती होगी कि अरे मेरे पास धन और होना चाहिए, इस प्रकार की बातें आपको जीवन भर आपको मन में आएंगी। धन भले ही रहे फिर भी आपको यह अंदर से आता रहेगा कि अरे मेरे पास तो और होना चाहिए था, इस प्रकार की आपकी इच्छाएं, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, इस तरह की विचार आपके मन में आएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाया हुआ होगा। अब डायरेक्ट आते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं अगर, तो जैसे कि मैंने बताया कि लग्नेश आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य शून्य से भाव जो कि तृतीय भाव है उसके स्वामी है और षष्ठ भाव में विराजमान है, षष्ठेश अच्छा साथ में गुरु भी विराजमान है। गुरु आपकी कुंडली में 9-12 जी गुरु आपकी कुंडली में प्रोफेशन हाउस के स्वामी है, प्रोफेशन हाउस के स्वामी हैं, प्रोफेशन का जो भाव है करियर का भाव है दसम भाव उसके स्वामी है गुरु, और गुरु यहाँ पर षष्ठ भाव में है सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य 28 अंश के हैं, कमजोर हैं अंश बल में, गुरु 7 अंश के हैं, ठीक ठाक से हैं। तो सूर्य और गुरु यहाँ पर आपस में संबंध बना रहे हैं, गुरु अपने ही भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, 10, 7, 8, 9 जी अपने ही भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। और अगर बात करें शुक्र की, शुक्र स्वराशिस्थ हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, राहु के साथ शुक्र बैठे हुए हैं। अगर हम नवमेश की बात करें तो नवमेश शनि है आपकी कुंडली में, शनि स्वराशिस्थ हैं जी, और अपनी दसम दृष्टि से वे गुरु और सूर्य और षष्ठ भाव को देख रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिल सकती है, भले ही अधिक अच्छी ना मिले लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको। ज्यादा अच्छे योग नहीं है, शुभता वाले योग नहीं, मेरा कहने का मतलब योग तो है आपका, शनि बलवान बैठा है जो कि नौकरी का कारक माना जाता है, सूर्य और गुरु आपस में युति बना रहे हैं, हालांकि भले ही वे छठे भाव में युति बना रहे हैं। अच्छा मंगल की बात करें जो कि षष्ठेश हैं, मंगल भी ठीक है अपने मित्र राशि में विराजमान हैं, उनको भी ठीक ही कहा जाएगा। तो स्थितियां बन रही हैं लेकिन उतनी शुभता वाली नहीं है। अब रही बात कब लगेगी, तो मंगल की महादशा है और अंतरदशा भी चल रही है गुरु की 2023 जी। अगर आप प्रयास करेंगे मेहनत करेंगे, मेहनत आपको करना होगा। तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं, षष्ठेश हैं, मेहनत आपसे खूब लेंगे, ये मेहनत कराएंगे। और षष्ठ भाव में गुरु भी बैठे हुए हैं, गुरु का नियंत्रक मंगल हुआ, मंगल तृतीय भाव में परिश्रम वाले घर में, पराक्रम वाले घर में है, आप मेहनत खूब कीजिए तो 2023 में अगर जो भी वैकेंसी निकलती है आप अप्लाई कीजिए, 2023 में संभावना बन रही है। किसी कारण से 2023 में अगर नहीं भी हो पाएगा तो जनवरी 2025 के अंदर अंदर संभावना पुनः बन रही है। तो 23, 24, 25 तीन वर्ष है आपके पास, संभावना 2023 की है अभी। अगर 23 में किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो 23, 24, 25 तीन साल है आपके पास, तो आप प्रयास कीजिए, प्रयास आपके हाथ में है। ग्रह तो अपनी बातें बता दिए कि यह योग है आपके कुंडली में नौकरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाकी के प्रश्न पूछे हैं लेकिन एक से अधिक प्रश्नों को एक व्यक्ति से एक बार में नहीं लिया जा पाना संभव होता। बहुत बहुत धन्यवाद।
आयशा जी हमसे जुड़ने के लिए। हम अगले प्रश्न पर आते हैं, उससे पहले सभी से कहना चाहूँगा जो लोग भी यहाँ पर प्रश्न पूछना चाह रहे हैं एक ही कमेंट में अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, ये सारी चीजें लिखें और प्रश्न एक ही होना चाहिए। अगर आप ज्यादा भी प्रश्न पूछेंगे तो भी मैं एक ही प्रश्न लूंगा या फिर उस प्रश्न को ना लूं, ये भी संभावना बनती है। और एक ही कमेंट को कुछ देर बाद आप पुनः रिपीट कर सकते हैं, कई बार क्या होता है जो स्क्रीन पे मेरे दिखेगा मैं उन्हीं प्रश्नों को ले पाता हूं, तो ऐसा करें और प्रोग्राम को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न हम सौमी सिन्हा जी का लेने जा रहे हैं जो कि वर्धमान वेस्ट बंगाल से हैं। अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। सौमी सिन्हा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें ताकि मैं आपके प्रश्न को ले पाऊं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौमी सिन्हा जी। स्वामी सिन्हा जी 4/3/1994 डेट ऑफ बर्थ है इनका, 4/3/1994। छ बज के 32 मिनट शाम का समय है। जन्म स्थान इन्होंने लिखा है वर्धमान वेस्ट बंगाल। लाइन पे रहिए, आपका जन्म स्थान मुझे मिल नहीं पा रहा है। आप स्पेलिंग चेक कर लें कि आपने स्पेलिंग सही से लिखी हुई है। वर्धमान BARDHA। नहीं, आपने कुछ गड़बड़ कर रखा है। आप एक वर्धमान नगर है, कमेंट में बताएं क्या वर्धमान नगर ही वर्धमान है। वर्धमान नगर क्या वही वर्धमान है जिसकी आप बात कर रहे हैं? बुर्दवान। ओके, लाइन पे बने रहे। जी, ये आ रहा है। जी स्वामी सिन्हा जी का प्रश्न है और ये 4/3/1994 6:32 शाम का समय बुर्दवान वेस्ट बंगाल। इनके प्रश्न पर आते हैं, इनका प्रश्न देखते हैं क्या इन्होंने पूछा है। अभी तक मैंने इनके प्रश्न को नहीं देखा है। जी, लव अरेंज मैरिज एंड मैरिज मम्मी के रिश्तेदार में होगी। आपका मैं ये प्रश्न बताने जा रहा हूं कि लव होगी या अरेंज मैरिज होगी। लाइन पे बने रहे हैं। एक ही प्रश्न एक बार में। जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न और राशि है आपकी वृश्चिक राशि। कन्या लग्न वृश्चिक राशि, लग्नेश बुध पंचमस्थ हैं, वक्री हैं, 29 डिग्री के अंश बल में कमजोर है, इनको बलवान कीजिए पहले तो। दूसरी बात,
जो आपके चंद्रमा है नीच राशिस्थ है, वृश्चिक राशि में 18 अंश के हैं, अंश बल में तो बलि है परंतु नीच राशिस्थ हो गए हैं और राहु के साथ विराजमान है, यहाँ पर अमावस्या दोष बन रहा है। चंद्रमा की शुभता को बढ़ाइए आप। और आपने पूछा है लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, जी आपकी लव रिलेशंस की संभावना तो बहुत है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लव रिलेशंस की संभावना अधिक है। अगर आप प्रयास करेंगे तो लव मैरिज होने की संभावना बनती है। कई कारण हैं इसके, यहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ हैं, राहु की पंचम दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, राहु की पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, शुक्र उच्च के हैं साथ में वे सप्तम भाव में ही विराजमान हैं। ये सारी स्थितियां हैं जो बताती हैं कि हाँ आपके लव रिलेशंस होंगे। गुरु जी लव रिलेशंस की संभावना काफी मजबूत है, लव रिलेशंस होंगे और प्रयास करेंगे तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी। तो आपके हमने इस प्रश्न को ले लिया है। और शुक्र की महादशा चल रही है वर्तमान में जो कि 2036 तक है, और जो अंतरदशा चल रही है वह मंगल की, मंगल कुंडली में षष्ठ भाव में है, मंगल कुंडली में षष्ठ भाव में है जी। मंगल कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, साथ ही साथ वे तृतीय भाव के भी स्वामी बनते हैं। इसके बाद राहु का समय आएगा जी। 2023 सितंबर से लेकर 2026 के बीच आपकी विवाह की संभावना बनती है। 2000 अक्टूबर के बाद से लेकर 2026 तक विवाह की संभावना बनती है अगर प्रयास किया जाए तो। चलिए तो चंद्रमा आपके यहाँ पर नीच राशि से उनको मजबूत करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करें, आपको लाभ होगा। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें तो भी आपको लाभ होगा। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, हमारे YouTube चैनल पे आपको यह मंत्र मिल जाएगा। आप लोग YouTube चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, मंत्र कैटेगरी मंत्र सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक जनरल सी बातें भी हमने कर ली और आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया आपको कि लव होगी या अरेंज। तो लव रिलेशंस है 100% है और प्रयास करेंगे तो विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सिन्हा जी हमसे जुड़ने के लिए। बाकी सभी लोग, अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे व्यक्तियों की कुंडलियों के प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि मैं मॉनिटर करता हूँ अक्सर, आप लोग कहीं से भी ढेर सारी कुंडलियों के प्रश्न लाते हैं और रोज अलग अलग कुंडलियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति के घर में 1000 लोग हों रोज आके एक की कुंडली पूछें, तो ऐसा संभव नहीं होता है, प्रैक्टिकली ये नहीं है। तो आप कहीं फेसबुक से या कहीं और से लाते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु जिन लोगों को रियल में आ सकता है फिर हम उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। आप लोगों के कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके प्रश्नों का उत्तर देने के चक्कर में, तो जिनको वास्तव में आ सकता है, जो अपने लिए या अपने परिवार जनों के लिए अपने मित्रों के लिए पूछना चाह रहे हैं वही लोग प्रश्नों को डालें तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी हम प्रश्न लेने जा रहे हैं संजय कुमार जी का। संजय कुमार जी आपके प्रश्नों को हम ले रहे हैं, आप प्रोग्राम को जरूर लाइक करें। संजय कुमार जी का प्रश्न है, इन्होंने किसके लिए प्रश्न पूछा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सत्ताईस नौ उन्नीस सौ अठहत्तर 5:45 AM सुबह का समय है, उधमपुर जम्मू।
जी हाँ, तो हमने संजय कुमार जी ने जो कुंडली यहाँ पर डिटेल्स दी है उस कुंडली को देखते हैं 27/9/1978 5:45 AM सुबह का समय उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। इनका प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है राजनीति की योग है क्या 2023 में। जी पहली बात तो राजनीति एक लंबा प्रोसेस है, सिर्फ 2030 में योग हो उससे पहले ना हो बाद में ना हो ऐसी संभावना नहीं बनती है बिल्कुल भी, क्योंकि राजनीति में आपको एक लंबे समय तक रहना पड़ता है तभी उसमें कोई सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं तो पीछे पीछे लग के सिर्फ हाँ जी भैया जी वाली कंडीशन बनी रहती है, तो उसमें समय लगता है। बाकी योगों की बात करें तो एक नज़र डाल लेते हैं, लाइन पे बने रहें। आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, लग्न में ही बुध हैं, बुध उच्च के हैं परंतु सूर्य देव के काफी नजदीक है, वे अस्त होते हैं। पहली बात तो आप लग्नेश को मजबूत कीजिए, कुछ भी करें लग्नेश को मजबूत कीजिए। यहाँ पर लग्नेश सूर्य के प्रभाव में आके अपना प्रभाव खो देंगे, हालांकि बुध जिनके साथ बैठते हैं उठते हैं उनका प्रभाव उनमें हो जाता है, परंतु यहाँ पर ये अस्त हो चुके हैं तो दूसरे को कॉपी करने के लिए भी तो खुद में शक्ति होनी चाहिए, तो इनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। यहीं पर राहु विराजमान है लग्न में जो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो एक प्रकार से सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं केंद्र में ही बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है परंतु बुध अस्त है तो वह योग अधिक प्रभावी नहीं हो पाएगा, इसीलिए मजबूत करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप बुध को अपने मजबूत कीजिए। राहु लग्न में ही है, बुध को भी प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही साथ वे सूर्य पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, सूर्य को ग्रहण लगा रहे हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें, यानी कि आपकी राशि कर्क राशि की है, वहां पर उच्च के गुरु बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। गुरु दो भावों के स्वामी है तो केंद्र भाव इनको मिले हुए हैं, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव मिला हुआ है। अभी शुक्र की महादशा चल रही है 2031 तक, और जो अंतरदशा है अभी वह गुरु की है। गुरु आय भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा मन गुरु ज्ञान, ज्ञानी व्यक्ति होंगे ये। एक बात और बता दूं, जो आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो द्वादश भाव के स्वामी होके लग्न में आए हैं, द्वादश भाव के स्वामी होके लग्न में आए हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हालांकि वो बुधादित्य बना रहे हैं मैंने आपको कहा, लेकिन बुद्धस्थ हैं तो बुधादित्य पूरा नहीं बन पा रहा है, द्वादश भाव के स्वामी होके लग्न को आके दूषित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। मंगल शुक्र के साथ विराजमान है, केतु सप्तम में है। प्रोफेशनल हाउस को देखें तो दशम भाव आता है, दशम भाव के स्वामी हुए बुद्ध, बुद्ध अस्त हैं जी। व्यक्ति होशियार चालाक तो बहुत है, बुद्धि पर राहु का प्रभाव है, बुद्धि पर राहु का प्रभाव है तो होशियार और चालाक तो बहुत होगा यह व्यक्ति। इसको पता होगा कि अपनी वाणी से दूसरे को कैसे मिलाना है, और वर्तमान में मैंने कहा कि शुक्र का समय चल रहा है, शुक्र की महादशा है जो कि नवमेष है, और वे अपने ही राशि में बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, वाणी भाव में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और अंतरदशा जो चल रही है, अंतरदशा चल रही है गुरु की, गुरु उच्च के आय भाव में जी बिल्कुल, और राहु का प्रभाव लग्न पर है, तो 3, 4, 5, 7, 7, 5, 5, 7, 8, 9, 10 जी। यह व्यक्ति जा सकता है राजनीति की ओर, यह समय ऑलरेडी है, यह अपनी बुद्धि में बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रयोग और वाणी का प्रयोग करके राजनीति में जा सकता है, समय चल रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है राजनीति में यह अभी से नहीं काफी पहले से होंगे,
कम से कम 2018 या उसके बाद से ये जुड़े हुए होंगे राजनीति से, तो ये राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन बुध को शुभता प्रदान करें, उनको और मजबूती प्रदान करें, जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए संजय कुमार जी। आगे प्रश्नों को लेते हैं हम। जी, जो भी लोग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, वह एक ही कमेंट के अंदर अपनी सारी डिटेल्स लिखें, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, सारी चीजें लिखें और एक मुख्य प्रश्न लिखें। और डिटेल्स पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बर्थ डिटेल्स डाल दिया, बर्थ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल दिया फिर कोई प्रश्न पूछेंगे तो नहीं। ये न्यूमरोलॉजी का सेशन नहीं है, ये कुंडली का सेशन है, और कुंडली के सेशन के लिए, कुंडली बनाने के लिए जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान चाहिए होता है, तो पूरी डिटेल्स आप लोग डालें। अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं ममता राठौर जी का, जिन्होंने प्रमोद जी के लिए प्रश्न किया है। ममता राठौर जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। ममता राठौर जी लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को ले पाऊं। जो भी लोग यहाँ प्रश्न पूछते हैं कृपया लाइन पे बने रहें, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि आजकल मैं रेगुलर यूट्यूब चैनल पे रहता हूँ, फेसबुक पे कम रहता हूँ, तो वहाँ आप हमसे प्रश्न सभी लोग पूछ सकते हैं, आपको डबल चांस मिलेगा। तो ममता राठौर जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें, आपके प्रश्न को ले रहा हूँ मैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ममता राठौर जी ने प्रश्न किया है, प्रश्न पूछे हैं प्रमोद जी के लिए। बारह दस उन्नीस सौ सतहत्तर जन्म समय वन थ्री फाइव एट दिल्ली। जी, प्रमोद जी की कुंडली हमारे समक्ष है, इन्होंने प्रश्न किया है कि नवंबर से बहुत खर्चा हो रहा है, रेंट की दूसरी शॉप लेकर करियर का बिजनेस करना चाहता हूं, कैसा रहेगा? जी, आपकी कुंडली बनती है, मैं प्रमोद जी के लिए बात कर रहा हूँ, प्रमोद जी की कुंडली बनती है मकर, मकर लग्न की, और चंद्रमा विराजमान है कन्या राशि में, तो कन्या राशि हुई मकर लग्न, कन्या राशि, चंद्रमा चार अन्य ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र जो कि नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, सूर्य 25 अंश के, बुध अस्त हैं, और राहु 22 अंश के होकर बैठे हुए हैं। बुध ऐसे तो उठ चुके हैं लेकिन सूर्यदेव के काफी नजदीक आ गए हैं, इसलिए उनको अस्त कर दिया गया है, सूर्यदेव ने अस्त कर दिया है। अगर शनि की बात करें जो कि कुंडली में लग्नेश बनते हैं, शनि अष्टम में है, शनि की महादशा चल रही है 2041 तक है, और जो अंतरदशा है वह 2041 किसी भी क्षेत्र में। हालांकि शनि लग्नेश है और ऐसा कहते हैं कि 6-8-12 का दोष नहीं लगता, परंतु त्रिग्भाव यानी 6-8-12 भाव में आने पर ये कमजोर तो हो ही जाते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। तो अरे ऊपर से ये 4 अंश के हैं, तो सबसे पहले तो आप इनको मजबूत करें, शुभता प्रदान करें, कैसे,
मंगल की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। शनिवार को शनि मंदिर जाएं, वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है, आप ये करें। और शनिदेव को शनिवार को जाके शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं, आपको लाभ होगा। तो ये रही बात लग्नेश की। अगर हम बात करते हैं मंगल, पहली बात तो ध्यान दें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपने ऋण वगैरह के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, आपने अगर लोन लिया हुआ है तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, लोन आपके लिए हानिकारक है। और लोन आपने लिया होगा, नहीं लिया है तो लेंगे जरूर, तो लोन से बच के रहें, ऋण से, ऋण लेने से बच के रहें। आपका मुख्य प्रश्न है कि आप करियर का बिजनेस करना चाहते हैं या करें या ना करें। अगर हम बुद्ध की स्थिति को देखें तो बुद्ध कुंडली में उच्च के जरूर है, परंतु वे अस्त हो चुके हैं, षष्ठ भाव के वे स्वामी बनते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए लग्न लग्नेश बुद्ध इनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो जो लग्नेश शनि है वो अष्टम में चले गए हैं, और बुद्ध तो उच्च के हैं, षष्ठ भाव के स्वामी होके उच्च के हैं, षष्ठ भाव के स्वामी हैं और नवम के स्वामी हैं, नवम उच्च के हैं परंतु अस्त हो गए हैं। तो आपसे पहले कहना चाहूँगा कि शनि को अपने अच्छा करें, शनि को शुभता प्रदान करें मंगल की आराधना और शनि की आराधना करके, और गणेश जी की भी पूजा करें, और बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करें। बुद्ध का रत्न धारण ना करें परंतु एक चार मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें, नॉनवेज ना खाते हों, मांस मदिरा का सेवन ना करते हों, तो आप ये धारण करें, बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करें। शुक्र की स्थिति को देखूं, शुक्र नीच राशि से, ध्यान दें आपको जो प्रोफेशन हाउस है वो हुआ तुला, तुला राशि, तुला राशि में प्रोफेशन हाउस है जो वो दशम भाव हुआ जहाँ पे तुला राशि है, तो ये शुक्र की राशि है, शुक्र पंचमेश आपकी कुंडली में और जाके बैठे हुए हैं त्रिकोण में नवम भाव, बहुत अच्छी बात है वहां बैठे, परंतु ये अस्त हो गए। तो कोई भी करियर आप बनाना चाहें तो करियर भाव और उनके भावेश का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप शुक्र को बल प्रदान करें, एक अंश के हैं, कोई बल नहीं है उनमें, साथ में वो नीच राशिस्त हैं, तो शुभता और बल दोनों प्रदान करना है। यहां पर आप इनके रत्न को धारण ना करें परंतु शुक्र के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जाप करें और इत्र का प्रयोग करें, रोज आप इत्र का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। बाकी आपने पूछा है कि करियर का बिजनेस करें या ना करें, मैंने आपको बताया आप करें, करियर का बिजनेस करें अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपने ग्रहों को ठीक करें, नहीं तो ये जो समय चल रहा है आपकी कुंडली के अनुसार इसमें लॉस अर्थात हानि हो सकती है कुछ भी करेंगे। तो आप मंगल की आराधना, शनि की आराधना, बुध के बीज मंत्र, शुक्र के बीज मंत्र इतना कर लें, आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये प्रश्न पूछा गया था प्रमोद जी के लिए, ममता राठौर जी ने पूछा है, आप ये प्रयत्न करें, कर्म करें, बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा। अच्छी कुंडली है लेकिन ग्रहों को ठीक करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रवि शर्मा जी का प्रश्न अगला लेते हैं, जो कि लुधियाना से हैं, और उन्होंने पूछा है बिजनेस ग्रोथ के उपाय बताएं। जी बिल्कुल अभी बता रहे हैं, उससे पहले सभी से कहना चाहूंगा लाइक करें, शेयर करें। रवि शर्मा जी आप लाइन पे, तो प्रोग्राम को लाइक करें ताकि आपके प्रश्न को मैं ले पाऊं। जो लोग भी यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं वे प्रोग्राम को अवश्य लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रश्न तो हम लेने जा ही रहे हैं, उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। लाइन करें, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज, ब्रॉडबैंड होते हुए भी।
जी, अभी आपका प्रश्न ले रहे हैं, उससे पहले सभी से कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम को शेयर जरूर करें, आप लोग लाइक करें, और लाइक करेंगे तो हमारी नजर में आएगा, तो आप लोगों के प्रश्नों को लेना आसान हो जाता है हमारे लिए। नेट की कुछ समस्या चल रही है, आप पता नहीं मेरी बात सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ जी, तो अभी हम प्रश्न ले रहे हैं, पुनः ट्रैक से थोड़ी गाड़ी उतर गई थी, अभी हम प्रश्न ले रहे हैं रवि शर्मा जी का। जी, आपने बोला बिजनेस ग्रोथ के उपाय बताएं। जी, बिजनेस ग्रोथ के उपाय तो तब होंगे जब आप ये बताएं कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं। रवि शर्मा जी, आपने ये नहीं लिखा, आप प्लीज कमेंट में लिखें कि बिजनेस कौन सा कर रहे हैं। तो रवि शर्मा जी का प्रश्न है कि बिजनेस ग्रोथ के उपाय, आपकी कुंडली मैं बना लेता हूं, लेकिन तब तक आप कमेंट में कृपया लिखें कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, क्लिनिक का है। ओके, ग्यारह फरवरी 1990, नौ बजे रात का समय है। जन्म स्थान इन्होंने लिखा हुआ है लुधियाना। हाँ जी, तो शर्मा जी की, रवि शर्मा जी की कुंडली हमारे समक्ष है, और इन्होंने क्लिनिक खोला हुआ है, और इनका प्रश्न है बिजनेस ग्रोथ के लिए कोई उपाय। आपकी कुंडली देख पा रहा हूं, ये कन्या लग्न की कुंडली है, राशि बनती है सिंह राशि, चंद्रमा द्वादश में है, अंशों को देखें तो 21 अंश के हैं, चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश में विराजमान है, और लग्नेश हुए बुध, बुद्धि की स्थिति को देखा जाए तो बुध 6 अंश के हैं लगभग, बुध 6 अंश के हैं, और वे पंचम में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। पहली बात तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, आपके बुध बढ़िया है, लग्नेश हैं, आय भाव के भी स्वामी लग्नेश हैं, और दशमेश भी हैं, और बैठे हुए हैं पंचम में, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो एक तरह से बुधादित्यों का निर्माण हो रहे हैं, और हालांकि चलित कुंडली में सूर्य षष्ठ भाव में जा रहे हैं, लेकिन षष्ठ भाव में जाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। कारण क्या है, आपका अगर क्लिनिक है, षष्ठ भाव होता ही है रोग का भाव है, तो आप रोगों पर रोग संबंधित कार्य ही कर रहे हैं, उसी से आपका इनकम हो रहा है, बढ़िया बात है। और जो पंचम भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी हैं सूर्य, और यहाँ पंचमस्थ हो गए हैं, द्वादश भाव भी हॉस्पिटल के खर्चे वाला है, हॉस्पिटल का ही आप काम करना है, बढ़िया बात है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, अगर शनि की स्थिति को देखें तो शनि के घर में बैठे हुए हैं बुध सूर्य और राहु पंचम भाव में, और शनि षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठे हुए हैं, मंगल और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है वो भी स्थिति में ठीक है, परंतु यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, सूर्य को एक ग्रहण सा लगा रहे हैं, और सूर्य की अगर सूर्य के अंश को देखें तो अंश बल बहुत कमजोर है, 29 डिग्री का है, 29 डिग्री, इसको आपको बल प्रदान करना चाहिए, लेकिन इनके रत्नों को धारण ना करें, आप इनके रत्नों को धारण ना करें, एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें, एक मुखी रुद्राक्ष विधि विधान से शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण करना है, विधि विधान से, ऐसा नहीं कि मार्केट से खरीद लिया और पहन लिया, ऐसा नहीं है। रत्न रुद्राक्ष से मुझे एक बात याद आई,
जिस व्यक्ति को भी अपना रत्न रुद्राक्ष परचेस करना है वो हमारी वेबसाइट पे जा सकता है। हमारी वेबसाइट डिस्प्ले हो रही होगी टॉप पे, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, कोई भी रत्न रुद्राक्ष ले सकते हैं। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो भी वहाँ से प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज इंस्टेंट एक्सेस है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आपने प्रश्न पूछा कि बिजनेस के चलने अच्छा चलने के लिए उपाय। तो सबसे पहले आप बुद्ध को और मजबूती प्रदान करें। एक, अगर आपने धारण कर रखा हो, पहली बात तो आपने धारण कर रखा होगा मुझे ऐसा लगता है, अगर नहीं धारण कर रखा है तो एक सवा सात रत्ती का पन्ना धारण करें, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, इस तरह का कुछ, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना धारण करें आप, और फिर बताऊंगा विधि विधान से ही धारण करना है। और सूर्य के रत्न को धारण ना करें, परंतु एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, गले में लाल धागे में करके आप धारण करने। राहु संबंधित चीजों का शनिवार को दान करें, कम से कम जी चार शनिवार, कम से कम चार शनिवार या सात शनिवार आप राहु से संबंधित, राहु संबंधित क्या, एक काले कपड़े में काली उड़द या फिर काला कंबल, यह आप किसी भिखारी को या जिसको जरूरत हो इस तरह के व्यक्ति को आप दान करें। कंबल नहीं तो काला कपड़ा, अनस्टिच्ड बिना सिला हुआ, आप चार या सात, सात करें तो अधिकतम, शनिवार को शाम के समय में दान करें। बाकी चीजें देख पा रहा हूँ ठीक सी हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही मुझे आपकी कुंडली में, बढ़िया है कुंडली। शुक्र की स्थिति को देखा जाए, शुक्र जो आपकी कुंडली में, अच्छा अभी राहु की महादशा है, राहु की ही अंतरदशा है, तो इसलिए वो दान जरूर आप इसी सैटरडे से आप शुरू कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति को देखो, शुक्र 27 अंश के हैं, शुक्र को और बल प्रदान करने की आवश्यकता है। आप हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करें। मंगल और शनि एक साथ में बैठे हुए हैं, मंगल अष्टम के स्वामी हैं और साथ में तिथि भाव के भी स्वामी बनते हैं। मंगल 16 अंश के हैं, लेकिन शनि जो कि पंचमेश हैं वे 27 अंश के हैं। तो आप हनुमान जी की आराधना करें। आपको जितने उपाय मैंने बताए, जिसमें से सबसे पहले तो आपको वही करना है जो मैंने रत्न बोला और रुद्राक्ष बोला, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें, शुक्रवार के शुक्रवार आप लक्ष्मी जी मंदिर जाएं। इतना उपाय मेरे हिसाब से बहुत है, करने को तो बहुत सी चीजें होती हैं, कोई इतना ही नहीं कर पाता है। कृपया आप ये करें, आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रवि शर्मा जी लाइक करते हुए जाइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा प्रोग्राम को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा हाँ, अभी हम किसका प्रश्न ले रहे थे, अभी हम प्रश्न ले रहे रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी अगर आप लाइन पे हैं तो ध्यान दें, सूर्य को रोज जल चढ़ाइए और सूर्योदय से पहले उठिए। सूर्य को रोज जल चढ़ाना है, सूर्योदय से पहले उठना है, ये ध्यान रखिए। ये मैं बोल रहा हूँ रवि शर्मा जी के लिए। रवि शर्मा जी सूर्योदय से पहले उठना है और रोज सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, अर्थात जल चढ़ाना है, और रात में जल्दी सोना है। हो सकता है आपका प्रोफेशन ऐसा है रात में ज्यादा देर तक जगते हो, लेकिन कोशिश करें जल्दी सोने की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। उससे पहले सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। YouTube चैनल का लिंक इसी प्रोग्राम में लिखा हुआ है, आपने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको देखना चाहिए था इस प्रोग्राम में। एक मिनट लाइन करें, अगले प्रश्न को लेने जा रहे हैं हम।
हाँ जी बिल्कुल, अभी आप लोग चेक कीजिए आप लोगों के कमेंट में, यहीं पे कमेंट में ही मैंने एक लिंक शेयर किया है, यहाँ पर कमेंट में ही मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। नहीं दिख पा रहा, एक मिनट रुकिए फिर। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा होगा, जी अपने YouTube चैनल का एक लिंक मैंने शेयर किया है, क्योंकि मैं वहीं पे लाइव रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं, तो आप लोग इस लिंक पे जाके सब्सक्राइब करें ताकि कल से आप मुझे YouTube पर भी देख पाएं, क्योंकि Facebook पे बहुत कम आता हूँ। जी अगला प्रश्न हम लेते हैं, किनका? रेखा सिंधे जी का। रेखा सिंधे जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें, आपके प्रश्न को लिया जा रहा है। मैरिज कब होगी इनका प्रश्न है। 97 बॉर्न है रेखा सिंधे जी, 1997। रेखा सिंधे का प्रश्न है, उन्नीस सौ सत्तानवे। ग्यारह बजकर सत्ताईस मिनट पी एम जन्म स्थान इन्होंने लिखा हुआ है पुणे महाराष्ट्र। जी आपकी कुंडली हमारे समक्ष है, ये रेखा सिंधे जी की कुंडली है, 1997 11:27 रात का समय है और पुणे महाराष्ट्र। इनका प्रश्न है विवाह कब होगा। इनकी जो कुंडली है वो हमारे समक्ष और ये बनती है वृष लग्न की राशि है, मेष राशि, वृष लग्न मेष राशि की कुंडली है, चंद्रमा द्वादश भाव में है, चंद्रमा द्वादश भाव में है, तृतीय भाव के स्वामी होंगे। अंश बल में देखें तो 14 अंश के हैं, अंश बल में ठीक हैं, परंतु चंद्रमा द्वादश हैं तो आपका मन परेशान रहता होगा, कल्पना में जीते होंगे आप। गुरु आपकी कुंडली में नीच राशि स्थित है, मकर राशि में गुरु 19 अंश के होके वक्री होके और नीच राशि के होके बैठे हैं। आपके जो मंगल हैं वे सप्तमी से हैं जो षष्ठ भाव में चले गए हैं, षष्ठ भाव ही होता है संघर्ष का, और वहां पर शुक्र भी बैठे हैं जो कि विवाह के कारक हैं। शुक्र आपके लग्नेश हैं लेकिन शुक्र यहाँ पर स्वराशिस्थ हैं, एक ही पॉजिटिविटी यहाँ पर वो दे रहे हैं, स्वराशिस्थ हैं, परंतु बैठे तो छठे भाव में हैं लेकिन स्वराशिस्थ हैं, इसलिए इनको बल मिल रहा है, लेकिन मंगल यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। मंगल सप्तमी से सप्तम भाव के स्वामी है जो कि पार्टनर का घर, पार्टनर भाव होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, उनके स्वामी हैं मंगल जो षष्ठ भाव में है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा संघर्ष तो रहेगा। गुरु आपके नीच राशि से, अगर हम बात करते हैं कि आपका विवाह कब होगा, तो वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है और अंतरदशा अभी अभी नवंबर में बदली है, अंतरदशा मंगल की शुरू हुई है जो कि जून तक रहेगी, जून 2023 तक मंगल की अंतरदशा रहेगी, मंगल सप्तमी। जी अगर आप प्रयास करें तो अभी एक मिनट गोचर भी देख लेते हैं, लाइन पे बने रहें, गुरु की स्थिति को देखें तो गुरु मीन राशि में ही विराजमान है, यहां से 8-9 जी गुरु सप्तम भाव को अपने प्रभाव में ले रहे हैं गोचर के गुरु। अगर शनि की बात करें तो शनि का समय तो अभी जाने वाला है, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे,
अभी वे कुंभ राशि में जाने वाले हैं 17 जनवरी से। बिल्कुल शनि भी अपना प्रभाव दिखाएंगे विवाह के लिए, गुरु और शनि पूरा सपोर्ट करेंगे गोचर के गुरु और शनि। और मंगल की स्थिति को अगर देखूं मैं तो वो लग्न में ही विराजमान है, सप्तम भाव को अपने प्रभाव में ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह जो समय है आपका विवाह का ही चल रहा है। जून 2023 से पहले ही आपका विवाह हो जाना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे, घर वाले प्रयास करेंगे, तो जून 2023 से पहले आपका विवाह होने की पूरी संभावना बनती है, प्रयास करेंगे तो। ये मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रह तो दिखा रहे हैं कि हाँ विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन अब प्रयास करेंगे तभी तो होंगे, अन्यथा आपके सप्तमेश हुए चंद्रमा की महादशा चल रही है। सप्तमेश की बात करें तो सप्तमेश मंगल हुए जिनकी अंतर्दशा शुरू हो गई है, अभी नवंबर 6 नवंबर से शुरू हुई है, और मंगल शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और गोचर के शनि गुरु और मंगल ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको। यह विवाह का ही समय है, हो जाना चाहिए। जून 2023 तक विवाह की संभावना बनती है। अगर जून 2023 तक विवाह नहीं होगा, ऐसा नहीं उसके बाद संभावना नहीं है, फिर राहु और गुरु की अंतर्दशाएं आएंगी जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी विवाह के लिए। तो विवाह तो आपका होगा, ये विवाह का समय चलना शुरू हो गया है, बातें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप प्रयास करना है, आपको प्रयास करें, विवाह हो जाएगा। कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, नहीं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। एक और उपाय बताना चाहूंगा, हर गुरुवार को नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर फिर नहाया कीजिए। ये बहुत बढ़िया उपाय है, आप कीजिए, गुरु भगवान चाहेंगे तो अतिशीघ्र विवाह होने की संभावना बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, रेखा सिंह जी। तो इस प्रकार आज हमने ढेर सारी कुंडलियों को देखा। अभी हमने रेखा जी की कुंडली को देखा जिन्होंने अपने विवाह का प्रश्न यहाँ पर किया हुआ था। किसी अन्य व्यक्ति को भी अगर प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज 1 घंटा हो चुका है और आज के प्रोग्राम को हम यहीं स्थगित करना चाहेंगे। कल YouTube चैनल पर फिर से मिलूंगा, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और कल आप सभी से वहां पर मुलाकात होगी। आप लोग वहां अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, पहले से ही आप लोग वहां पर अपने प्रश्न डाल सकते हैं। राहुल गुप्ता जी आपने अभी यहां पर प्रश्न डाला है, लेकिन अभी समय हो चुका है क्योंकि दूसरे कार्य भी हैं और ससुर कुंडली विश्लेषण के लिए लाइन लगी हुई है जो मैं पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी वो भी देखना है मुझे। कृपया आप यूट्यूब चैनल पर कल प्रश्न पूछिएगा। आप आज से ही, जब कुछ देर बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक लिंक पोस्ट हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे लाइव सेक्शन में, तो वहां पे आप लोग अभी से प्रश्न डालना शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों के प्रश्न पहले से भी पड़े होंगे उनके भी प्रश्नों को लेने की संभावना बनेगी। तो हम कल फिर मिलते हैं 6 या 7 या 8 बजे, जो भी टाइमिंग डिसाइड होगा आपको यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।